जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी और जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद खरगोन द्वारा शनिवार को मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में कुश्ती, बालक व बालिका वर्ग, मेहंदी, मलखंब और कयाकिंग का डेमो भी हुआ। वहीं पर्यटन संबंधी प्रतियोगिताओं में साइकिल टूर, हेरिटेज वॉक एवं हैंडलूम वॉक का आयोजन भी किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन व संस्कृति परिषद खरगोन द्वारा शहरवासियों को पर्यटन से रूबरू कराने के लिए आज भी साइकिल टूर, हेरिटेज वॉक एवं हैंडलूम वॉक का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार साइकिल टूर एवं हेरिटेज वॉक प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक और हैंडलूम वॉक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एक्चुअली इससे हमने भरतनाट्यम में प्रस्तुति की हमने, और लॉकडाउन के वजह से एक्चुअली क्या हुआ, इंडस्ट्रीज और ये सब मतलब बंद थे, और उसके वजह से जो गैसेस है और जो कुछ भी गंदा पानी वगैरह जा उछा वो था, वो नदियों में आना कम हो गया। और हम लोग देखो, हमारी धार्मिक भावनाएं किसी की दुखानी नहीं है, जो हमारे धार्मिक कर्म है हम तो करते रहेंगे नदियों में, लेकिन हमें ये सीख लेना है कि हमें खुद धोके जो कुछ भी हम विधियाँ करते हैं, जब स्नान करना है लेकिन उसे साबुन नहीं मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें अगर हम करेंगे तो अपने ऑटोमेटिक हमारी जो नदियाँ हैं वो अपने आप नैसर्गिक कृति से ही वो शुद्ध हो सकती है, उसे कोई ज़रूरत नहीं कि हमें इतना पैसा खर्चा करना है। तो हमने ये डांस ड्रामा से देखो एक घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने उसको हमारे मुद्राओं से और इससे जैसे हाँ देखो मछलियों में मछलियाँ रहती है, सब पक्षी है, सब है, इनको भी हमने सब दिखाने की कोशिश की कि वो भी कितने खुश है, मतलब उनको भी कहा तो भी आज़ादी चाहिए, हमारे जो ये हमारी भीड़ है इससे भी उनको भी कुछ तो भी आज़ादी चाहिए। और ये 1.5 साल में बहुत से मतलब बहुत हमारी प्रकृति अपने आप में एक तरीके से शुद्ध हो गई है। तो क्या हमें लिखते हैं पूरा किशोरी हम्पी होली, कहाँ से है? नागपुर से। नहीं, कोरोना का संदेश एक्चुअली ये कैसा, मेरा जो प्रोडक्शन था ये हम लास्ट 2 साल से करने जा रहे थे, तो हमारा इसका प्रदूषण कैसा कम करना है, इसके लिए हमने वो क्या करना है, वो उद्देश्य वो हमको लोगों तक पहुंचाना था। उसके बीच में कोरोना आ गया, तो कोरोना आने से क्या हो गया कि आपको सबको पता है, कोरोना से अपने को मालूम हुआ है कि 1.5 साल में जो लॉकडाउन हुआ, तो जो उसका पोल्यूशन जो भारत सरकार जो भी अलग अलग सरकार जो स्टेट के है वो इतना पैसा खर्चा करके उसमें बहुत संदेश दे रही है लोगों को कि आप उसको प्रदूषण मत करिएगा, लेकिन कोरोना में आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन के कारण ऑटोमेटिक भक्त लोग जो पर्यटक लोग हैं, जैसा अभी यहाँ पर भी हम लास्ट ईयर महोत्सव नहीं हुआ, तो इस प्रकार से फिर क्या होता है वो उसमें शुद्धिकरण हो गया ऑटोमेटिकली, एक नैसर्गिक है ये, तो एक लोगों तक सीख पहुँचाई, तो उसमें से आप लोग समझना है कि ये ऐसा हुआ है, इन्हें उसकी शुद्धता आ सकती है, लेकिन इसके लिए अपने को उसमें जो गंदगी है वो आप लोग कम करना है। या क्या संदेश दिया आपने इसमें? संदेश ये दिया है कि आप लोग जो भी है ना इसमें प्रदूषण जो है, जैसा कोई गणपति ये उस विसर्जन करते हैं उसके फूल माल वगैरह तो वो सब डालते हैं, वो उससे आप दूर रहे। बस ये। क्या नाम है आपका? मेरा किशोर हम्पी होली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।